सुनना, हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशंस को और ज्यादा। एलिमिनेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि दो पाई बॉन्ड टूटेंगे और एक, सॉरी, दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर हम क्लासिफिकेशन भी करना चाह रहे हैं, तो हम मोस्टली जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसको एक बार और कर देते हैं। एलिमिनेशंस रिएक्शन मे बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग थ्री टाइप्स, फॉलोइंग थ्री टाइप्स। कौन सा थ्री टाइप्स? E1, E2 एंड E1CB। ये हमारे पास तीनों तरह से हो जाएगा, तो हमने एक तरह करा E1, E2, E1CB। तो मेन हेडिंग डालेगा आप हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, E1 रिएक्शन, यानी इसको क्या बोलेंगे, यूनि मॉलिकुलर एलिमिनेशंस एलिमिनेशन रिएक्शंस E1। यूनि मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, यानी यूनि मॉलिकुलर का मतलब उसके लिए मॉलिकुलरिटी क्या है, एक, यानी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास रहा छोटा सा पॉइंट, क्लियर करो इसको। तो कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होगी? ये कार्बन है, हाइड्रोजन, 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 कार्बन एक्स, सही है। आपने कुछ नहीं करा, कोई बेस नहीं मिलाया, आपने क्या करा, सॉल्वोलिसिस कर दिया। अब आप नाराज हो जाएंगे, सर सॉल्वोलिसिस तो न्यूक्लियोफिलिक देगा, पहले चलने दो। इस जगह सॉल्वोलिसिस करा, आपके पास क्या बनेगा, सॉल्वोलिसिस ही है, कार्बोकेटायन, बनने दो। कार्बोकेटायन बना या नहीं बना? अच्छी बात है। तो जब कार्बोकेटायन बना आपके पास सॉल्वोलिसिस में वही H2O ही आएगा। पहले H2O क्या करता था, यहां अटैक करता था और H निकालता था, तो क्या हो जाता, एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता, SN1 होता था। अब वही न्यूक्लियोफाइल क्या बन जाएगा, बेस। भाई पहले H2O न्यूक्लियोफाइल था, बेस क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा रखा है, हाई टेम्परेचर कर रखा है, तो वही H2O अब बेस का काम कर सकता है। वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, टेम्परेचर ज्यादा रख रखा है, ये टेम्परेचर 70 डिग्री के आसपास है, तो अब ये बेस आएगा, तो जैसे ही बेस आएगा तो क्या करेगा, ये किस पे अटैक करेगा, बेस का काम किस पे अटैक करना होता है, यहां पर। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां काम होता है, कार्बन प्लस पे, ये तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलो ठीक है, तो HCH एच सी सी एच इसने ले लिया, तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, यहां, पक्का, तो ये एच एच और ये बी एच बी अलग हो गया। क्लियर करो, बेस ने एच को ले लिया ना, तो एच बी अलग हो गया, तो एच बी अलग होते ही अब आपके पास क्या बन रहा है, एल्कीन। तो लो टेम्परेचर पे SN1 रिएक्शन हो जाएगी और हाई टेम्परेचर पे यही क्या शो हो जाएगी, E1। अभी आपके पास इस कौन सी स्टेप स्लो होगी, फर्स्ट RDS होगी, जो स्लो होती है वही RDS होती है, सेकेंड वाली फास्ट हो जाएगी, जो भी है उसके कंपेयर में। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, और ये क्या हो जाएगा आपके पास,
एक तरह से सब्सटेंस, और जो भी बेस है उसके ऊपर पावर क्या आएगी, जीरो, और इसके ऊपर पावर क्या आएगी सब्सटेंस पे, वन। बोलो यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? एलिमिनेशन देखने को मिलेगा आपको यहां, फर्स्ट, सेकंड जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, दूसरा टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी हाई, थर्ड, थर्ड क्या है आपको, फाइनल प्रोडक्ट इज एल्कीन, फाइनल प्रोडक्ट इज एल्कीन, कोई दिक्कत नहीं है? तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके पास बहुत हैं। कितने स्टेप्स में हो रही है, टू रिएक्शंस कंप्लीट इन टू और मोर स्टेप्स, वन टू शिफ्टिंग पॉसिबल है या नहीं है? कार्बोकेटायन बन चुका है, वन टू शिफ्टिंग इज पॉसिबल, वन टू शिफ्टिंग इज पॉसिबल। सिक्स, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, इज वन, क्या बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, नहीं। सेवेंथ, रिएक्शन इंडिपेंडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बोलो क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बेस पे डिपेंड करेगा, नहीं। और भी कुछ पॉइंट्स बन के आ रहे हैं? बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट जो अपन ने लिखा है? नेक्स्ट, रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, 3 डिग्री, कोई डाउट? फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूं, कौन से नंबर का, 8 पॉइंट का, रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन ही स्टेबल नहीं होगा तो भूल जाओ, ना तो SN1 होने, ना SN2 हो रही, ना E1 हो रही। इस जगह बात SN2 के तो खैर नहीं बोल रहे, लेकिन E2 तो नहीं हो रही है, ठीक है? नाइन, नाइन पॉइंट में आप क्या बना सकते हो, ये बोल सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल ही जनरली ये देगा। सपोज अल्कोहल ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री ना के बराबर होते हैं। तो ये सारे नो के नो पॉइंट्स आपके लिए क्लियर है, यस और नो? तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी? एंडो, कितनी अच्छी बात कही है। मल्टी, सिंगल स्टेप में होगी या मल्टीपल स्टेप में? हाँ, मल्टीपल स्टेप में। तो पहली बार में तो कार्बोकेटायन बनेगा, ये हो गया थोड़ा सा इसका, कार्बोकेटायन बनना मुश्किल होगा या आसान होगा? मुश्किल होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी कार्बोकेटायन की ज्यादा रखनी चाहिए, तो ये आपने ज्यादा रख ली। और सेकेंड स्टेप में जो भी हो, ओवरऑल तो रिएक्शन एंडोथर्मिक रहेगी ना, बस खत्म।
डेल्टा एच क्या होगा इसका, पॉजिटिव। इसके एग्जांपल करें, करो शुरुआत कर दो 11 से। एग्जांपल CH3 CH2 CH3 CH2 C CH3 CH3 Br, और मैंने लिख दिया यहां पर CH3OH और हीटिंग साइन दे दिया। पक्का? क्या यहां SN1 होगी? हाँ। क्या SN2 होगी? हाँ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, सॉरी SN1 होगी, हाँ E1 होगी, हाँ या तो SN1 होगी या E1 हो रही है। पक्का? SN2 होने के चांसेस बहुत कम है। मेरी बात सुनो पहले, 3 डिग्री दोनों के लिए चाहिए, SN1 के लिए भी चाहिए और E1 के लिए भी चाहिए। SN2 होने के चांसेस कम होंगे। अगर ऑप्शन में कि कौन कौन सी पॉसिबल है तो SN2 भी लिखोगे आप, बहुत कम ही सही लिख देना, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस में कोई डाउट। लेकिन सिंगल में पूछा जाए, सिंगल चॉइस में हो तो क्या शो करोगे आप? SN1 एंड E1। अब टेम्परेचर ज्यादा दे दिया, इसका मतलब एग्जामिनर क्या चाहता है? E1 चाह रहा है। ज्यादा का मतलब 50 भी ज्यादा होता है, लेकिन 50 पे भी ये SN1 ही दे रही है, ये 60-70 पे जाके दे रही है, ठीक है ना। तो कई बार और आगे रिएक्शन देख के भी आइडिया लगता है, लेकिन अब ज्यादा दे रखा है इस जगह, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2 दिख ही रहा है, सॉल्वोलिसिस हो रहा है, लेकिन एलिमिनेशन होगा, सॉल्वोलिसिस नहीं। ओके यहाँ पर तो ये CH3, अब CH3 समझना एल्कीन कौन सी बनेगी, इधर वाली ज्यादा स्टेबल बननी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो साइड प्रोडक्ट इधर वाली एल्कीन भी बना सकते हैं। हाँ अपन मेजर की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, तो कुछ समझ में आई बात? ये हमारे पास आ रहा है और बाकी CH3OH2 अलग हो जाएगा। यानी यहां ने इस जगह क्यों बनाया बेटा? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है इसके पास, तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल एल्कीन बनाऊंगा मैं, खत्म बात। क्या दिमाग लगा रहे हो इसमें? तो चलिए अब आप मेरी मदद करिए, आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक Br CH3OH, समझना बात को, और एक और दिया है CH3OH हीटिंग के साथ। तो बताइए ए और बी क्या होंगे इस जगह, मेजर प्रोडक्ट। क्या इसका आंसर ऐसा होना चाहिए? ए का आंसर ए ये होगा, सोल्वोलिसिस हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। और बी क्या होगा यहां पर, क्या आपके दोनों आंसर सही है? सही है, बस लिख लो, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। देखिए आप ये बताइए E1 कब होता है, जब कार्बोकेटायन बनता है, और अल्कोहल में कार्बोकेटायन कब बनता है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो जो SN1 होती थी वो अब किस में शिफ्ट हो जाएगी, E1 में, बस करना कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास ROH है, ठीक है, ये अल्कोहल है, CnH2n+2O, यही है आपके पास।
इसको आपने क्या डाला, एच प्लस, कंसंट्रेट रख दो, क्योंकि वैसे भी गर्म करोगे तो एच टू वेपराइज हो ही जाएगा, तो कंसंट्रेट ही रहेगा, तो ये एच प्लस एच आर प्लस बनाएगा, बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बो केटायन। अब ये कार्बो केटायन अगली स्टेप में, स्टेप फर्स्ट, स्टेप टू, ये कार्बो केटायन दो बातें हो सकती थी, टेम्परेचर हाई या लो, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही हाई ले रखा है तो हाई टेम्परेचर में ये क्या बनाएगा, एल्कीन। एल्कीन क्या बन जाएगा, सी एन एच टू एन, बस ये एल्कीन बना लेगा। इससे क्या पता चल रहा है, कौन सी मैकेनिज्म हो गई, लास्ट मोमेंट पे इसने एस एन वन का साथ छोड़ के किसका साथ पकड़ लिया, ई वन का, ठीक है, तो ये ई वन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्बो केटायन इंटरमीडिएट है, सीधा आपका ध्यान किस पे जाएगा, एस एन वन ई वन, टेम्परेचर हाई है, ई वन, बस खत्म। या जानो जब भी कार्बोकेटायन बनता है ई वन, जब कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है तो आपका ध्यान किस पे जाएगा, एस एन टू या फिर ई टू, सही है, और क्या कर रहे हो आप। या जानो जब मैंने वहां रिएक्शन कराई थी, पीसीएल फाइव कार्बोकेटायन नहीं बनता, एस एन टू, पीसीएल थ्री एस एन टू, एसओसीएल टू एस एन टू में जाएगी या एस एन आई में, मैंने ऐसे ही बताया था, खत्म बात, यही सब करना है अपन को। तो ये आपके पास आ गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो अब आप की पॉइंट्स लिखना शुरू करें, इसके की पॉइंट्स, फर्स्ट डिहाइड्रेशंस ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एग्जाम्पल ऑफ, इज एग्जाम्पल ऑफ ईवन रिएक्शन। एक और रिएक्शन है जहां डिहाइड्रेशन आपने करा था, याद करो, डिहाइड्रेशन ऑफ पिनेकॉल, दूसरा पॉइंट, डिहाइड्रेशन ऑफ पिनेकॉल, पिनेकॉल का मतलब 1,2-diol इज एग्जाम्पल ऑफ ईवन रिएक्शंस। मैकेनिज्म क्या होती है ये आपको आगे, डिहाइड्रेशन ऑफ पिनेकोल पूरा एक हॉर्डिंग है, मैं उसको दे दूंगा आपको, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। थ्री, बाकी सारी चीजें तो एक ही है, आर इक्वल टू क्या होगा, के अल्कोहल आ जाएगा, इसके अंदर पावर और जो भी बेस है, बेस तो कोई है नहीं यहां पर, सॉरी एच प्लस है, एसिड है यहां पर, एसिड के ऊपर पावर क्या आएगी, जीरो, बस एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी जरूरी है, नहीं तो ये उल्टा चलने लग जाएगी या एस एन वन की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगी। जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हो जाएगा, तो कार्बोकेटायन बना, ठीक है ना, तो एच प्लस भी तो होगा, एच प्लस के साथ सी एल माइनस भी तो होगा मेरे भाई, तो वो सी एल माइनस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, एस एन टू दे देगा, एस एन, अरे यार कार्बोकेटायन बनने के बाद तो जो भी रिएक्शन कार्बोकेटायन बनेगी उसमें एस एन एच प्लस, कार्बोकेटायन बन गया इसके बाद तो एस एन वन ही होगी, एस एन टू क्यों होगी, खत्म बस। अगर यहां पर एच सी एल की कंसंट्रेशन मैंने कम रख दी, डाइल्यूट कर दिया, कुछ भी इस तरह का ले लिया मैंने, तो क्या होगा, अगली स्टेप में सी एल माइनस आएगा, सी एल माइनस आएगा, लेकिन किस पे आ रहा है, कार्बोकेटायन पे, तो रिएक्शन तो पहले ही बन चुकी है, एस एन वन ही तो रहेगी, एस एन टू क्यों बोल रहे हो आप, कुछ कुछ समझ में आया, हीटिंग की बात नहीं कर रहा, लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, या HCl बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, कुछ समझ में आ रही बात, हाँ बोलो। तो ये आपके पास हो चुका है, बहुत इजी वे में था।
थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, क्या ये चीज क्लियर हो गई? एल्कोहल एलिमिनेशन मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे आसानी से कौन देगा? 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, और फिर 1 डिग्री एल्कोहल। कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपके पास? आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, थर्ड, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि इवन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ इवन मैकेनिज्म, इसके अंदर आपको दो तरह की रिएक्शंस आपके लिए मेन रहेगी। फर्स्ट, कार्बोकेटायन रिएक्शंस। कार्बोकेटायन के अंदर मतलब हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। देखिए, ये मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में बताऊंगा, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूं आपको अभी तो पहले, कि आपके पास यहां पर ये OH है, और जब यहां OH आपको दिखाई दे रहा है तो आप सिर्फ H+ लीजिए, आपका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? ये H+ इस H और OH को H2 की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। ये स्टेप फर्स्ट रहेगी, जो कि अपने आप में ये फर्स्ट स्टेप ही RDS होगी। और उसके बाद अगले स्टेप्स में ये वाला हाइड्रोजन वाला ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, और आपको फाइनल वापस H+ निकलता हुआ दिखाई देगा और एल्कीन आपको मिलेगा। एलिमिनेशन और एल्कीन ना बने ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना? एलिमिनेशन में मल्टीपल बॉन्ड जनरेट होते हैं, जैसे इन आइन, लाइक दिस। नेक्स्ट, अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देते हैं तो आपके पास आ रहा है इस जगह डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। यहां आपके पास एक्स हेलोजन है, और इस जगह आपको इस बेस चाहिए, और वो भी आपको वीक बेस, वीक बेस, बहुत स्ट्रांग नहीं चाहिए। तो क्या होगा? वीक बेस, वीक बेस का कोई काम नहीं है अभी, तो वो कार्बोकेटायन बनने का इंतजार करेगा। वीक बेस लाइक H2O, ROH विद हीटिंग, अलग से हीटिंग की जरूरत होगी, जिससे अपने आप आपके पास कार्बोकेटायन बने। और ऐसा तभी होगा जब ये 3 डिग्री है, तो बहुत अच्छी बात है, या यहाँ कोई फिनाइल ग्रुप है तो और भी अच्छी बात है, जिससे कार्बोकेटायन बनने वाला स्टेबल हो। और यहाँ पर अब आपके पास उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन को बेस, वीक बेस ले जाएगा, वीक बेस लाइक H2, ये अटैच करके ये ले जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, और फाइनली आपको एल्कीन बनती हुई दिखाई देगी। आ रही है बात समझ में? तो अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम रहा तो ये SN1 देके सॉल्वोलिसिस दे देगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे यही रिएक्शन आपके पास एल्कीन बना देगी। यानी ROH के साथ हाई टेम्परेचर दिया है एल्कीन बनाओ, लो टेम्परेचर दिया है OR अटैच कर दो कार्बोकेटायन पे, सॉल्वोलिसिस हो गया, ईथर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अभी ये हम क्योंकि इवन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें हाई टेम्परेचर रखना जरूरी है। इनको और ज्यादा डेप्थ में हम करेंगे, हम पहले डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देखेंगे एसिडिक मीडियम में किस तरह से हो रहा है, और फिर इनके बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों को उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम E2 पढ़ेंगे। लिखिए इसको।